अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक कप ज्वारी के आटे से बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ते की रेसिपी, और आप अपने बच्चों को ये हेल्दी और टेस्टी नाश्ता बहुत जल्द बनाकर टिफ़िन में भी दे सकते हैं। बहुत ही हेल्दी है और टेस्टी है। अगर आप डेली रोटी पोहा उपमा खाकर बोर हो चुके हैं तो आप इस हेल्दी और टेस्टी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत जल्द बनकर तैयार होती है, तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह बोलकर। हमने यहाँ पर एक कप ज्वारी का आटा लिया है, जो हमने रोज़ रोटी बनाते हैं वही आटा है। हमने इसको अच्छे से छान कर ले लिया है। अब हम एक मिक्सी जार लेंगे, उसमें इस आटे को डाल देंगे। उसी के साथ अब हम इसमें आधा कप रवा लेंगे, यानी सूजी। सूजी को भी इस मिक्सी जार में डाल देंगे। उसी के साथ हम इसमें आधा कप दही लेंगे। दही को भी डालकर थोड़ा सा पानी डालकर उसको पीस लेंगे। इससे सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। अब देख सकते हैं हमने अच्छे से इसको पीस लिया है। अब हम इसे बॉल में निकाल लेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे ढककर। इसके साथ खाने वाली चटनी बनाएंगे। अगर घर पे गीला नारियल अवेलेबल नहीं है तो फिर भी हम बहुत टेस्टी चटनी बनाकर तैयार करेंगे। हमने यहाँ पर लिया सूखा नारियल को काट कर, और थोड़ा सा हरा धनिया और एक मिर्ची। हम बच्चों के लिए बना रहे तो थोड़ा तीखा कम डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और 2 चम्मच दही डालकर थोड़ा पानी डालकर इसको पीस लेंगे। आप देख सकते हैं हमने इस चटनी को पीस लिया है। अब हम इसमें राई और कड़ी पत्ते का तड़का लगाएंगे। ये बहुत ही स्वादिष्ट चटनी बनकर रेडी हो गई है। अब हम बैटर की तरफ आते हैं। इसमें थोड़ा सा कुकिंग सोडा डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम एक नॉनस्टिक पैन में थोड़ा सा तेल डालेंगे, उसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अब हम इसमें बैटर डालेंगे। आपको जितना छोटा बड़ा बनाना है इस तरह से आप बना सकते हैं। 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको एक साइड से सेक लेंगे और साइड को चेंज कर लेंगे। दूसरी साइड भी हम 1 मिनट के लिए सेक लेंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया है इसमें, और बहुत ही झटपट बनकर तैयार होता है। बहुत ही टेस्टी, लगता ही नहीं कि हम इसको ज्वारी के आटे से बनाए हुए हैं। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। अब हम फिर से एक बनाकर आपको बताएंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही झटपट और हेल्दी नाश्ता बनाकर तैयार कर सकते हैं। देख सकते हैं हमने दूसरा भी बनाकर तैयार किया है। ये होने के बाद हम इसको जाली के ऊपर रखेंगे ताकि आपस में चिपके नहीं। थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसको फोल्ड करके रख सकते हैं। आप देख सकते हैं हमने सारे ज्वारी के डोसे बनाकर रेडी कर चुके हैं। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाना मत भूलना। कमेंट में ज़रूर बताना कैसी लगी हमारी रेसिपी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में हमें याद रखना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।